एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तब जो है अजीब तरह से वहां रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवरफुल येलो वॉटर, मैं उस भयानक पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज पर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी ही। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वॉटर, मैंने हवा को अंदर खींचने की कोशिश की। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, पीली रोशनी जो है वो जा रही थी। देन ऑल एफर्ट गिल्स, तब जो है सारे जो उसके एफर्ट्स थे वो समाप्त हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम किया। इवन माय लेग्स फेल्ट लिम्प, यहां तक कि मेरी जो टांगे थी उन्होंने अपंग महसूस किया। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और एक कालापन मेरे दिमाग पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, उसने जो है डर को दूर किया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसने जो उसका भय था उसको दूर किया। There was no more panic, अब और बौखलाहट नहीं थी। It was quiet and peaceful, चुप्पी और शांति थी। Nothing to be afraid of, डरने के लिए कुछ भी नहीं। This is nice, ये अच्छा है। To be drowsy, to go to sleep, यानी कि निद्राजनक हो जाना या नींद में चले जाना। No need to jump, कूदने की कोई जरूरत नहीं। To try to jump, इतना थका हुआ कि कूद नहीं सकता था वो। It's nice to be carried gently, इतना कोमलता से ले जाता हुआ कि अच्छा लगता था। टू फ्लोट अमंग अलोंग इन स्पेस, उसके चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे खाली जगह में तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और जब कोमल बाहें जो है वो उसके चारों तरफ थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि माँ की कोमल बाहें। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना पड़ा। आई क्रॉस टू ऑब्लिवेशन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं सब कुछ भूल गया और जीवन का पर्दा गिर गया था। द नेक्स्ट रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, अगली बात जो मुझे याद थी कि मैं बिसाइड द पुल वोमिटिंग, उल्टी करता हुआ पेट के बल जो वो पुल के किनारे पर लेटा हुआ था। दिस द चेप दैट थ्रो मी वो सिंग, जिसने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डेड, बच्चा जो है मरते मरते बचा है। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो गया है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, अब इसे लोकर रूम में लेकर चलते हैं। Several hours later, I walked home. कई घंटों बाद मैं घर गया। I was weak and trembling. मैं कमजोर था और कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैं कांपा और रोया। I couldn't eat at that night. मैंने उस रात कुछ भी नहीं खाया। For days, hunting fear was in my heart. कई दिनों तक मेरे दिल में जो है डर छाया रहा। The slightest accidents upset me, जो थोड़ी मेहनत मुझे परेशान कर देती थी। Making me wobbly in the knees and sick to my stomach. तो वो जो हल्की सी भी किसी बात से जब परेशान होता था, तो उसके घुटने जो है वो लड़खड़ाने लग जाते और वो पेट उसको बीमार सा लगने लग जाता। I never went back to the pool. पे उसके बाद मैं कभी भी ताल पर नहीं गया। I feared water. मुझे पानी से डर लगता था। I avoided it whenever I could. मैं जहां तक हो सकता था पानी से दूर रहने की कोशिश करता था, उसको अवॉइड करता था। A few years later, when I come to know the water of the cascades, I wanted to go get into them. कुछ सालों बाद जब मैंने झरनों का पानी देखा, तब मैं उसमें जाना चाहता था। And whenever I did, और जब भी मैंने ऐसा किया, I was wedding the titan of bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks. चाहे वो टीटन या बम्पिंग नदी का लांगना हो या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, the terror that had seized me in the pool would come back. वो आतंक जो मतलब उस पुल मैंने उसे वश में कर रखा था वो वापिस आ जाता। It would take possession of me completely. यह मुझ पर पूरी तरह से अधिकार कर लेता। My legs would become paralyzed. मेरी जो पैर हैं वो लकवाग्रस्त हो जाते। Lay horror would grey my heart. और जो एक बर्फीला डर जो है मेरे दिल को जकड़ लेता था। The handicap stayed with me as the years rolled by. साल बीतते गए और जो उसकी जो अपंगता यानी कि पानी से जो डर था वो बना रहा। In canoes on my legs, fishing off landlocked salmon bass. Fishing in new hemisphere, trout fishing on the Daskus and Metellus in origin, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascade. मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सैलमन मछली को पकड़ना, न्यू हैम्पशायर से में बांस मछली का शिकार और ओरेगन के मेट्रोलिसियस, डेस्ट्रियस की ट्राउट मछली को पकड़ना, कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैलमन को पकड़ना। Whenever I want, the hunting fear of the water followed me.
मैं ऐसा करने को जाता, पानी का जो आतंक डर था वो मेरा पीछा करता रहता था। इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप्स, ये जो है मेरी मछली की ट्रिप को तबाह कर देता। एंड डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, मेरी जो छोटी नाव और बड़ी नाव चलाने के तैरने के आनंद था उसको वंचित कर देता। यानी कि बोटिंग एंड स्विमिंग जो और कैनोइंग का जो उसको एक जो खुशी मिलती थी, डिलाइटेड करती थी चीजें, उनसे वो वंचित रह जाता था, क्योंकि उसका जो टेरर है पानी से डर वो वापस आ जाता था। आई यूज एवरी डे आई नो टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, मैंने जो है अपने इस भय पर काबू पाने का एक तरीका अपनाया जो मैं जानता था, मगर इसने मुझे जकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, आखिर 1 अक्टूबर को मैंने तैरना सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक रखने की सोची। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 डे अ वीक, मैं एक तो तालाब पर गया और हफ्ते में 5 दिन वहां प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, हर 1 घंटा प्रतिदिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था वो मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुल देन रन ऑन द ओवरहेड केबल। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, एक जो रोप रस्सी जो थी वो अटैच थी उस बेल्ट से, एंड देन थ्रू ए पुली यानी एक पुलिस के ऊपर से होकर जाती, देन रन ऑन द ओवरहेड केबल, और फिर उसके सिर से होकर एक तार की जो रस्सी है वो चलती। He held on the two end of the rope and we went back and forth. वो जो है रस्सी के किनारे को पकड़ा रहता और हम आगे पीछे जो है जाते रहते। Back and forth across the pool, hour after hours, days after days, week after weeks. और ऐसा जो है घंटों के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, हफ्तों के बाद हफ्ता जो है ऐसा ही चलता रहा। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. और हर बार जब वो जैसे पानी में जाता तो थोड़ा भय जो है उसके अंदर वो बना रहता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माय लेग्स फ्रोज। हर बार जो वो इंस्ट्रक्टर था वो जैसे रस्सी से अपनी पकड़ को ढीली करता तो मैं पानी के अंदर चला जाता और जो पुराना डर था उसका, उसका कुछ पार्ट सा जो था वो लौट आता और उसकी जो टांगे थी वो फ्रोजन यानी कि जम जाती। इट वॉज 3 मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगन बैक टू स्लैक, इसमें 3 महीने लग गए जो उसका तनाव था, डर था पानी से रिलेटेड, उसको कम करने के लिए। देन ही टोल्ड मी टू पुट माय फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माय नोज एंड इनहेल, तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया और नाक उठाकर सांस लेना भी सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100s of times, मैंने इस व्यायाम को सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, मैंने जो धीरे धीरे करके उस भय का जब एक भाग जाता रहा तो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, उसके बाद उसने जो है पुल के किनारे पर वह मुझे पकड़े रहता और पानी में टांगे मारता रहता। 4 weeks I did just that, कई हफ्तों तक मैंने यही किया। At first my legs refused to work, आखिर पहले पहले तो जो है मेरी जो टांगों ने जवाब ही दे दिया था कुछ टाइम बाद, बट देन ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, पर धीरे धीरे वे भी जो है रिलैक्स्ड होने लगी एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार मैं उन्हें आगे दे सकता, यानी कि धीरे धीरे जो है उसका डर पानी से रिलेटेड जो था वो जाता रहा। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस प्रकार धीरे धीरे उसने मुझे तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और जब उसने एक भाग को त्रुटिहीन कर दिया यानी कि बिना किसी मिस्टेक के बिल्कुल परफेक्शन उसे दे दिया, उसने उन सबको जोड़कर एक पूरे वस्तु बना दी थी, यानी कि जो जो उसको पार्ट्स में सिखाया था उन सबको उसने एक साथ करने के लिए कहा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ गोता लगाओ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और जो पुल है उसकी लंबाई तैर कर पार करो। क्रो ऑन स्ट्रोक, धीरे धीरे चाहो चाहे तेजी से जाओ। I did, the instructor was finished, मैंने यह किया और जो इंस्ट्रक्टर का काम जो था वो पूरा हो चुका था। But I was not finished, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool, और जो वो उसमें जो है डर अभी भी बचा हुआ था, वो डरता था जब वो कभी भी पुल के पास अकेला होता तो कहीं वो भयभीत ना हो जाए, डर ना जाए। I tried it, मैंने कोशिश की ऐसा करके देखा। I swam the length up and down, मैंने जो है वो पुल था उसको एक किनारे से दूसरे किनारे
पर या वापस जाने की कोशिश की। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और जो पुराना जो डर था उसके थोड़े थोड़े जो साइंस थे वो लौट आते थे। बट नाउ आई कुड फॉलन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्ड टू यू लुक एंड ऑफ आई विल गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल। पर अब जो है जैसे ही उसको डराते तो मैं क्रोधित होकर उस भैंसे कह सकता था, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है, ठीक है यह वह तुम्हारे नाम पर देख, और मैं पुनः जो है वो जो पुल था उसकी लंबाई को एक बार और पार कर देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक यही सब चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन जो है मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा जो सारा टेरर यानी कि भय जो है वो समाप्त हो चुका था। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्सफेयर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग आईलैंड एंड स्वैम टू माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टेप। अब जो है मैं न्यू हेम्सफेयर की लेक वेंटवर्थ में गया, ट्रैक्स आइलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील झील जोत में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। आई स्वम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। मैंने जो है क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को भी तैरने का प्रयोग किया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, और जब मैं उसके पानी के बीच में था उस झील के, आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वॉटर, तब जो मैंने अपना पानी में सिर डाला और उससे सिर्फ पानी के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिमेयर, उसके अंदर जो पुराना डर था वो लौट आया। आई लाफ्ड एंड सेंड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर यानी कि आतंक साहब, वट डू यू थिंक यू कैन डू मी डू टू मी, इट फ्लैड एंड आई स्वम ओन, क्या आप मेरे साथ मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। वह भाग गया एंड आई स्वम ओन, और मैं आगे चला गया तैरता हूँ, यानी कि वो अपना डर जो है उन्होंने उस पर काबू पा लिया था। येट आई हैड रेजिड डाउट्स, अब भी जो मेरे मन में शंका कांश जो बाकी था यानी कि अभी जो उन्हें डाउट्स थे, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट वेंट अप द टाइटन ऑफ कॉर्ड मेडोज अप टू द करनोट क्रीक ट्रायल टू मिडेट ग्लेंशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। पहली अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर मिलते ही मैं वेस्ट पश्चिम की तरफ गया, टिटन के ऊपर कोनार्ड मिडोस तक गया, कोनार्ड ग्रीक ट्रेड से मिल भिड़े ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हार्ड मिडोस में पड़ाव डाले यानी कि वहां तक गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इन टू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। अब जो है मैंने अपने जो कपड़े उतारे और झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैरकर ही वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पन ने किया था। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चीख पड़ा एंड ग्लिबर्ड पीक रिटर्न टू द इको, और जो ग्लिबर्ड पीक के में जो गूंज कर चीख जो है वो दोहराई। आई हैड कंक्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने जो अपने पानी के ऊपर डर था उसके ऊपर काबू पा लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और जो ये अनुभव था उसका गहरा अर्थ उसके लिए रखता था। As only those who have known stark terror and can cured it can appreciate, वह केवल वही जो कठोर आतंक को जानते थे समझते थे या जिन्होंने उस पर विजय प्राप्त की थी, इट कैन अप्रिशिएट इसकी प्रशंसा करते हैं। इन डेथ देयर इज अ पीस, मृत्यु में जो है शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में ही जो है वो आतंक है। As Roosevelt knew when he said, जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा, All we have to fear in fear itself, हम सबको केवल भय से भय यानी कि डर से ही डर है हमें। Because I had experienced both of the sensation of dying and the terror this fear of it can produce, क्योंकि मैंने जो मरने का और वो आतंक जिसने उसमें डर पैदा किया था उसकी जो the will to live somehow grow in intensity, यानि कि उनकी जो प्रबलता थी कि जीने की जो इच्छा शक्ति दोनों को उसने अनुभव किया था। At last I felt released, आखिरकार मैंने जो है बड़ा सुकून सा महसूस किया। Free to walk the trails and climb the peak and to brush aside fear, कि नीचे की ओर जाने में और चोटियों के ऊपर चढ़ने में और अपने डर को एक तरफ करने में उन्हें बहुत सा सुकून सा जो है महसूस हुआ।